होंडा एक्टिवा 7G, इस मॉडल का वेट काफी लंबे समय से काफी सारे लोग कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने आज होंडा एक्टिवा 7G को लॉन्च नहीं किया है, उसके जगह पे होंडा एक्टिवा 6G में ही नए फीचर के साथ इसको लॉन्च किया है, जो कि होंडा एच स्मार्ट करके नया फीचर है। इस नए स्मार्ट फीचर में क्या आपको मिलेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही होंडा ने एक्टिवा में कौन कौन से और भी नए फीचर्स ऐड किए हैं, क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, क्या इसकी नई प्राइस रखी गई है, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जितने भी लोग होंडा एक्टिवा 7G का वेट कर रहे थे, उनको और भी इंतजार करना होगा, क्योंकि होंडा एक्टिवा 7G लॉन्च नहीं हुई है, उसके जगह पे केवल होंडा एक्टिवा में नया फीचर एच स्मार्ट ये ऐड किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये 6 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी, जिसमें डिसेंट ब्लू, रेबल रेड मेटेलिक, मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, ब्लैक, पर्ल प्रीसियस व्हाइट और पर्ल सीडेंट ब्लू, आपको 6 कलर ऑप्शन के साथ नई एक्टिवा आपको मिलेगी, जिसका लुक पहले जैसी है, लुक में कोई यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है और फीचर्स भी आपको लगभग वही मिलने वाले हैं। यहाँ पे एनालॉग मीटर अभी भी मिलता है, यहाँ पे डिजिटल मीटर नहीं दिया गया है। इसमें नया जो फीचर ऐड किया गया है एच स्मार्ट, इस नए फीचर में आपको क्या मिलेंगे, तो 4 से 5 नए फीचर इसमें ऐड किए गए हैं। एच स्मार्ट में जो पहला फीचर आपको मिलता है, ये रिमोटली लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है, यानी कि स्मार्ट की इसमें एक मिल जाती है, इसी की वजह से आपको नया नया फीचर देखने को मिल रहा है। अब आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना चाबी लगाए आप रिमोटली स्कूटर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, स्टार्ट और बंद भी कर सकते हैं। इसके साथ इसमें प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है, यानी कि अगर आप अपने स्कूटर से 2 मीटर की दूरी से आगे जाते हैं तो स्कूटर आपकी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, और जैसे आप अपने स्कूटर के 2 मीटर के रेंज में आते हैं तो स्कूटर अनलॉक भी हो जाएगी। इसके साथ ही आप रिमोट के जरिए ही सीट को ओपन कर सकते हैं, जो आपका फ्यूल फिलिंग है इसको ओपन कर सकते हैं, स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूटर को बंद कर सकते हैं, ये फीचर आपको देखने को मिल जाती है इस रिमोट की वजह से। और इसमें एंटी थेप अलार्म भी दिया गया है, और एंटी थेप अलार्म अगर आप बंद करना चाहते हैं तो ऐसे में आप की मदद से 3 सेकंड तक अगर आपके बटन पे प्रेस करके रखेंगे तो ये अलार्म बंद हो जाएगी। इसके साथ ही इसमें स्मार्ट फाइंड दिया गया है, यानी कि अगर आप पार्किंग अपने स्कूटर को रखे हैं तो ऐसे में आप एंसर बैक ले सकते हैं रिमोट की मदद से, जिससे कि आप प्रेस करेंगे तो आपका स्कूटर जहाँ भी होगा वो ब्लिंक करने लगेगा, तो आप इजीली अपने स्कूटर को फाइंड कर सकते हैं पार्किंग के समय में। तो ये आपको एच स्मार्ट के जरिए 4 से 5 नए फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी आपको नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लुक डिजाइनिंग पहले जैसी है, इंजन सेम वैसे ही है, यहाँ तक कि मीटर कंसोल भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है, बस इसके साइड में ये नया फीचर का ऐड कर दिया है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लगभग 1200 रुपये तक प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि एक्टिवा का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसका जो एक्सन प्राइस है 74,536 यानी कि 74,536 रुपये तक है। डिलक्स वेरियंट के साथ जो इसकी एक्सन प्राइस है 77,036 यानी कि 77,036 रुपये तक है, लेकिन जो इसका स्मार्ट की के साथ अलाउवेज के साथ आपको मिलेगा, इसकी एक्सन प्राइस 80,537 यानी कि 80,537 रुपये तक इसकी प्राइस रखी गई है, और इसमें आपको अलाउ व्हील्स का भी ऑप्शन अब मिल रहा है, तो ये भी एक आपको नया अपडेट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक्टिवा अलाउ व्हील्स के साथ लेना चाहते हैं तो लगभग एक्सन प्राइस 80,537 रुपये तक देखने को मिल जाती है। तो ये आपको नया फीचर एक्टिवा में कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जितने भी लोग होंडा एक्टिवा 7G का वेट कर रहे थे उनको आगे और भी वेट करना पड़ेगा एक्टिवा 7G के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।